सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भी VI की सिम यूज़ करते हो, अब VI की सिम में अगर आप 130 GB डेटा, जैसे कि आपको पता है कि अभी फ्री में मिल रहा है, VI यहाँ पर दे रहा है सबको, लेकिन आप इस डेटा को जैसे क्लेम करते हो करने जाते हो तो यहाँ पे गाइस आप इस डेटा को क्लेम नहीं कर पाते हो, यानी कि आप इस डेटा को, आपका जो डेटा पैक है आपके पास नहीं आ पाता। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस डेटा पैक को क्लेम कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे आप कोड डालते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल एट दैट मोमेंट, हाउ यू कैन अपग्रेड टू अ स्मार्टफोन टू अवेलेबल 130 GB डेटा बेनिफिट विद VI गारंटी। तो अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है कैसे इसे ठीक करना है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए जान लेते हैं कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, आपके पास कोई भी फ़ोन हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन पे आना है। अबाउट फ़ोन पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना MIUI वर्जन ओपन कर लेना, क्योंकि मेरा MIUI का फ़ोन है इसलिए यहाँ पर MIUI वर्जन को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये करना है, नीचे चेक फॉर अपडेट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं नो अपडेट्स अवेलेबल, अगर आपको कोई अपडेट यहाँ पर शो हो रहा है तो उसे अपडेट कर लीजिए। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर जो है उसके बाद आप क्लेम करके देखिएगा, आप इजीली जो है अपने डेटा पैक को क्लेम कर पाओगे। सो गाइस, अगर आपने अपना फ़ोन भी एकदम टॉप वर्जन पे आपने अपडेट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ही लो एंड डिवाइस है जिसमें यहाँ पर जो है आपने VI की सिम ले रखी है, तो हो सकता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर आपके पास भी अच्छा डिवाइस है, यहाँ पर जो एकदम लेटेस्ट मॉडल है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो एक बार अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो अपने किसी ब्राउज़र या फिर गूगल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च बार में आना है और यहाँ पे गाइस हमें क्या करना होगा, VI सपोर्ट। ठीक है, VI सपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं VI सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गाइस आपको इस नंबर पे कॉल करना है और यहाँ से गाइस आपको VI सर्विस, जो मतलब VI है, VI के टीम से आपको बात करनी होगी, जो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है सब कुछ आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं VI कस्टमर केयर नंबर आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से गाइस आप डायरेक्टली कॉल करके, मतलब जो है जो उनका एजेंट है उनसे आपको बात करनी पड़ेगी और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइएगा, जो आपका डिवाइस सब कुछ आपको बता देना अपने बारे में। ठीक है, जब आपका डिवाइस वगैरह है, आपको कब से प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ आप बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि आप गलत कोड डायल कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा कोड आपको डायल करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, *199*199#, तो यहाँ से लिख लीजिए, ये कोड आपको डायल करना है तभी आपको 130 GB कोड डेटा जो आपको मिलेगा, नहीं तो अगर आप कोई यहाँ पर कोड डायल कर रहे हो तो उससे आपको डेटा पैक नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोड आपको डायल करना है, इसी से आपको जो है यहाँ पर जो आपका डेटा पैक मिलेगा। तो बस आपको ये कस्टमर केयर से बात करनी होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।